हृदय में जगाने का प्रयत्न करो। जागरूक होने के लिए हृदय में जगाना होगा, क्योंकि चेतना हृदय में निवास करती है और हृदय के प्रति जागरूक होने का अर्थ है जागृत होना। हम आमतौर पर दिल से जागते हैं, परिणाम स्वरूप हम आंतरिक अहंकार, लगाव और क्रोध से बाहर की ओर धकेले जाते हैं। हृदय में जागृति का अर्थ है अहंकार, आसक्ति और वासना, क्रोध से मुक्त या जागरूक होना। सतर्क रहने की इस अवस्था को दृष्टा या साक्षी अवस्था कहा जाता है। हृदय में जागृत होना ज्ञान कहलाता है और मूर्छा की स्थिति का अर्थ है टूटे हुए दिल के साथ जीवन में चलना। ज्ञान और अज्ञान की स्थिति को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। हृदय में जागृत होना चेतना कहलाता है। चेतना की इस अवस्था में होना सभी साधनाओं का उद्देश्य है। यदि कोई सचेत नहीं रहना चाहता है तो उसे बेहोश होना होगा और अवज्ञाकारी इंद्रिय मन बुद्धि के अधीन चलना होगा। इस आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इंद्रियों को पार करना है, क्योंकि ज्ञान भी अज्ञान का धाम है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य अपने मन को इंद्रियों, मन और बुद्धि से मुक्त करना है। इसे संत के जीवन में समझना चाहिए। सोचने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आप अपने दिल में जाग रहे हैं। तर्क बहस करने से पहले ये समझना चाहिए कि क्या कोई हृदय में जागा हुआ है, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक नहीं होने से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हमारी स्थिति एक जैसी है।